इक्विपमेंट्स आर देयर. फर्स्ट वन ऑयली वाटर सेपरेटर. ऑयली वाटर सेपरेटर आई टोल्ड यू नॉट टू बी बाईपास्ड. इसमें फ्रेश वाटर डाइल्यूशन इज नॉट अलाउड. दैट इज अ इलीगल वे ऑफ यूजिंग फ्रेश वाटर. अगर कोई फ्रेश वाटर इसमें डाल रहा है तो दैट इज इलीगल. कीप दैट इन माइंड. अदरवाइज पीपल विल लैंड अप इन जेल. उसमें फ्रेश वाटर डालना अलाउड नहीं. वन थिंग क्लियर. नेक्स्ट वन इज वी हैव टू कीप द बिल्जेस क्लीन. ये फोटोग्राफ ध्यान में रखो. वी शुड कीप द बिल्जेस क्लीन. अदरवाइज द बिल्जेस विल बिकम डर्टी एंड ऑयली वाटर सेपरेटर विल नॉट वर्क. मॉपिंग वाटर स्लश टैंक में डालना है, दैट इज ओके. अदर देन दैट आ जाओ इंसिनरेटर. इंसिनरेटर में दीज इंसिनरेटर विल अलाउ the garbage to be put by 850 degree. 850 degree के बाद में इसमें garbage डाल सकते हैं. So you will put that. ये बहुत सारे incinerator होता है जिसमें आप starting में garbage डाल सकते हो. Do that and never ever exceed the capacity of the incinerator. अगर capacity 30 kg है, the capacity of the incinerator is 30 kg per hour. So how much oily rags should you put in the incinerator? 30 kg में 30 kg oily rags नहीं डालना है. 30 kg सब कुछ मिला के होता है, पेपर प्लास्टिक और जो भी वगैरह है. तो वन थर्ड डालो. वन थर्ड डालने से क्या होगा कि सेफ रहेगा. एक शिप पे फायर हो गया था बिकॉज ऑयली रैक्स का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होता है. तो वन थर्ड अलाउड. ऑयली रैक्स वन थर्ड. पेपर डाल सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. पेपर का कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होता लेकिन वो भी छोटा छोटा करके डालना है. एंड वन मोर थिंग, कैन वी रन इंसिनरेटर इन एंकरेज. मार्बल क्या बोलता है एंकरेज पे चला सकते हैं इंसिनरेटर. एंकरेज पे चलाने के लिए मना किया जाता है. अगर पोर्ट स्टेट अलाउ कर रहा है तो कर सकते हैं. वो बहुत कम केस में अलाउ करेगा क्योंकि धुआं का चांस होता है, पोल्यूशन का चांस होता है. लेकिन बहुत दूर पे आउटर एंकर पे है तो अंडर कंसल्टेशन ऑफ पोर्ट स्टेट से पूछने के बाद मार्पोल कुछ बड़ा ऐसा नहीं करता. समझ रहे हैं? एक चीज. दूसरी चीज, इंसिनरेटर में प्लास्टिक ला सकते हैं. मोहम्मद जी बोल रहे नहीं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं. पंपी भाई, तो बहुत सारे इंसिनरेटर ऐसा होता है जिसमें प्लास्टिक जलाना वैसे तो अलाउड होता है, बहुत कम. एकाध दो शिप पे मिलेगा आपको, एकाध दो शिप पे प्लास्टिक जाने वाला इंसिनरेटर मिलेगा. लेकिन ध्यान ये देना है कि ड्यूरिंग द रनिंग, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, वो बहुत कम टेम्परेचर रेंज होता है. वो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है 1000 से 1100 पे ट्रिप है. 1000 के नीचे जलाना अलाउड नहीं है और वो भी आधा केजी थोड़ा सा. तो फायदा नहीं है जो प्लास्टिक लाओगे तो उसको भी कैटेगरी ए में डालना है. गेटिंग इट? Whatever you burn the plastic, that has to be collected back into category. तो घुमा भी रहेगा, ज़्यादा फायदा नहीं होता है. If you ask me personally, तो I will say no. Although marpol is allowed in rare cases, थोड़े-थोड़े केस में allowed है, लेकिन to keep it simple, plastic जाने से घाटा ही होता है. क्या? वो क्या होगा? Plastic चिपक जाएगा factory में, plastic चिपक जाएगा आपके fan में, तो बाद में incinerator भी खराब होता है. But that is what you have to decide. That will be ship board decision to go ahead. ठीक है? Clear? Incinerator में इंसिनरेटर में एयर से नॉट अलाउड, ओल्ड बैटरी नॉट अलाउड, पीवीसी नॉट अलाउड, ये सब चीजें नॉट अलाउड. क्लियर है? बाकी तो आई टोल्ड यू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू मेक श्योर दैट द एयर इज ओके. अगर इसमें एयर प्रेशर कम है तो व्हाट एक्शन विल यू टेक इंजन रूम से? इफ यू सी If you see that the air is not proper in a sewage treatment plant, what action? Anybody? Sewage treatment plant mein air ki kya zarurat hai? Bolo. Solanki bhai. वो तो करेंगे ही, लेकिन उसका मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या है? व्हाई इज एयर रिक्वायर्ड? इज इट अ मार्पोल वॉल्यूशन? केमिकल रिएक्शन नहीं, उसको बायोलॉजिकल रिएक्शन बोलते हैं. बैक्टीरिया विच ईट आउट दी सीवेज एंड मेक इट ट्रीटेड सीवेज. ऑक्सीजन इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड. कभी कभी एयर प्रेशर बढ़ जाता है. एयर प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो क्या एक्शन लेंगे? एयर प्रेशर अगर बढ़ जाता है
लाइन चौक होने का चांसेस है, तो लाइन चौक है तो हवा फिर कम चला जाएगा, कम लगेगा तो मार्क बॉल वायलेशन हो जाएगा। तो ध्यान ये देना है कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो ऑन बोर्ड ये ध्यान रखो कि एयर प्रेशर ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, दोनों केस में देयर आर चांसेस ऑफ मार्क बॉल वायलेशन, तो सब लोग जेल में जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि प्रेशर सही होना चाहिए। दूसरा क्लोरीन टैबलेट, क्लोरीन टैबलेट डालते हैं उसमें डालते हैं कितना डालते हैं, क्यों डालते हैं, कब डालते हैं, कहाँ डालते हैं, अब पूरा बताना पड़ेगा ना जो आज दिया, आज बड़ी काम चलेगा। क्वेश्चन ये है कि क्लोरीन टैबलेट अगर आप डाल रहे हैं तो क्लोरीन टैबलेट एक डिसइंफेक्टेंट होता है, क्लोरीन टैबलेट डाल रहे हैं तो बैक्टीरिया मर रहा है, एयर डाल रहे हैं तो बैक्टीरिया जिंदा कर रख रहे हैं, तो एयर डाल के हम बैक्टीरिया जिंदा रखते हैं, क्लोरीन डाल के बैक्टीरिया मार देते हैं, ऐसा क्यों, क्या सुनील, जब बैक्टीरिया चाहिए तो हवा डाल देते हैं, जब नहीं चाहिए तो क्लोरीन डाल देते हैं, तो ये खेला क्यों करना है भाई, ऐसा क्यों करना है, समथिंग रॉन्ग, क्या अंडरस्टैंडिंग क्या है, पहले जिंदा करो फिर मार दो, ये क्या खेल चल रही है, ओवरबोर्ड करने से पहले तो सर बैक्टीरिया खत्म, ओवरबोर्ड करने से पहले, बहुत बढ़िया मान लीजिए, थैंक यू वेरी मच, तो ओवरबोर्ड करने से पहले कितना डालना है किसी को याद है, नहीं याद होगा जान रहा हूं मैं, तो क्लोरीन टैबलेट डालते हैं लेस देन 0.5 पीपीएम, तो ये याद रखो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, एयर और क्लोरीन का बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट तो चलना एक चीज और कि हाँ बोलो, एक चीज और, कभी कभी somebody from the outside, that is the third party people, those who are coming on board, might throw something unnecessary in the sewage, in the commode. So what will that cause? That will cause the damage to the sewage treatment plant and we will land up in marble violation. वो problem करके जाएंगे, वो problem हो जाएगा हमें, marble violation हो जाएगा, तो इसलिए उनको generally, isn't it? बोसन भाई, जो third party वाले बाहर के लोग आते हैं, उनको क्या समझाते हैं? Any instruction for people coming from outside regarding sewage treatment plant? No instruction? Do not throw foreign material, do not throw paper, do not throw chemicals. Harpic sewage treatment plant. So yes, some basic things we'll have to tell to everybody, including the third party people. Okay, so keep that in mind. और कुछ, आई थिंक वी आर डन। ओडीएमई, ओडीएमई में क्या करना है, हम भी बताएंगे, हम भी भाई ओडीएमई में क्या करना है, एनीबडी प्लीज आप बताइए, ओडीएमई था आपके जहाज पे, चार्ज मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, तो क्या एक्शन करना है, व्हाट इज आवर ड्यूटी, कनेक्शन में कोई फॉल्ट तो नहीं है, पंप सही चल रहा है, आवाज सही आ रहा है, कोई फ्रेश वाटर कोई अननेसेसरी कनेक्शन तो नहीं किया है, कोई बाईपास तो नहीं किया हुआ है, गलत लाइनअप तो नहीं किया हुआ, ये सब चीज हम लोग चेक कर सकते हैं, करेक्ट, सो दैट इट इज आवर ड्यूटी, है व्हेन ओडीएमई इज रनिंग यू हैव टू सी ओवरबोर्ड में ऑयल सीन तो नहीं आ रहा, ओवरबोर्ड में ऑयल सीन आ रहा है देन वी इन्फॉर्म एवरीबॉडी, स्टॉप करना पड़ेगा, है ना, तो ये सब एक्शन लेना है, क्लियर है, सो दैट इज इट, ठीक है, कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, वी हैव टू डू द टेस्ट आल्सो, सो कमिंग टू द लास्ट टॉपिक में मार्बल एंड रूट, अभी एक क्वेश्चन ये है कि कैन वी डिस्चार्ज फूड वेस्ट ड्यूरिंग ड्रिफ्टिंग, नो सर, क्यों, नो सर, व्हाई, इफ इट इज अ स्पेशल एरिया वी कैन नॉट थ्रो, अगर नॉर्मल एरिया है, नॉर्मल एरिया में तब ड्रिफ्टिंग में, हाँ
क्या होता है, यू आर सर्कुलेटिंग इन देयर, यू आर वेटिंग फॉर द कार्गो, यू आर नॉट गोइंग ऑन अ वॉयेज. तो वॉयेज में नहीं होता, ड्रिफ्टिंग में भी इट इज नॉट अलाउड एज पर डेफिनेशन ऑफ कार्गो. ये ध्यान में रखना है, ठीक है. एंकर पे तो नहीं करना है, पोर्ट पे तो नहीं करना है, ड्रिफ्टिंग में भी अवॉइड करना है. समझ गया? दैट इज द वर्ड. गार्बेज मैनेजमेंट प्लान होता है, वहां पे सारी चीजें होती है, दैट इज ओके. एक फाइनल क्वेश्चन, देन वी विल एंड अप. किंग ऑयल का क्या करना है? चीफ कुक कैटेगरी डी कुकिंग ऑयल क्या करना है? इंजन रूम में भेजना है सर. एक बस यही यही तो मैं सुनना चाह रहा था. इंजन रूम में डालने वाला सिस्टम चला गया, ठीक है. चीफ कलेक्ट करके रखते हैं, लैंड कर सकते हैं. करेक्ट. कौन सा कलर में? व्हाइट. व्हाइट कलर. और प्रेफरेबली मेटल होना चाहिए. क्लोज मेटल में रखो, क्योंकि मेटल में फायर नहीं होता है. मेटल में फायर नहीं होता, इसलिए मेटल में रखो. और वैसे भी ओल्ड ओल्ड ऑयल यूज नहीं करना चाहिए, वो कैंसर वगैरह करता है. कैन बी पुट इट इन इंजन रूम? तो अलाउड नहीं. स्लज टैंक में डालने का सिस्टम चला गया. कैन बी बर्न इट इन इंसिनरेटर? क्वेश्चन ये. पहले तो होता था, पहले के नहीं, अब तो पहले के जमाने में थोड़ी चीज है, आज के जमाने पहले का होता नहीं. दादा एक्चुअली शोर पे डालना बेस्ट है, शोर पे डालना बेस्ट है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ता तो स्मॉल क्वांटिटी में जला सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में मिक्स इन ऑयली लगे, लेकिन वो 20-25 लीटर जलाते जलाते बहुत टाइम लग जाएगा. तो बेटर है कि आप शोर पे डालो, बेटर है कि शोर पे लैंड करो. कहानी उतना कंफ्यूजन नहीं रखना है, लेकिन इंजन रूम स्लश टैंक में डालना पता मुझे. दैट इज क्लियर? नो नो. क्लियर है चीफ? ये हो गया आपका कुकिंग ऑयल. सो व्हाट अबाउट इंसिनरेटर ऐश? दैट इज कैटेगरी ई. कैटेगरी एफ इज ऑपरेशनल वेस्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट दो नई कैटेगरी आ रही है. आई इज ई वेस्ट, फिशिंग गियर इज एच. ये सब तो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है. जे एंड के आ गया. सो जे एंड के फ्रॉम द बल्क कैरियर मस्ट बी नोइंग जे नॉन हैजार्डस टू द मरीन एनवायरनमेंट. That you will have to collect. It is allowed to be thrown overboard only in not special area. Normal area में 12 nautical mile के बाद category J is allowed. Category K is not allowed any time. ये shore पे ही देखना पड़ेगा. K is hazardous to the marine environment. Example of HME cargo, who will tell me? Example of ये वाला cargo, K cargo. ऑरेंज में जो होता है, एग्जांपल ऑफ दिस के बोलो. कौन सा? निकल हो सकता है, कभी कभी फॉस्फेट वगैरह हो सकता है, या फिर सल्फर हो सकता है. कौन आएगा? फूड आ जाएगा, या आयरन ओर कभी कभी आता है. ऑफकोर्स द शिपर विल टेल यू, बट दैट इज अलाउड टू बी थ्रोन ओनली इन नॉर्मल एरिया, नॉट इन स्पेशल एरिया आफ्टर 20 नॉटिकल माइल. ठीक है. तो ये जे और के नया है, लेटेस्ट है. That is under grey. Silver में क्या है? Silver color कौन सा बोलो? Silver color is for e-waste. पत्ती साहब वाला है ना. अच्छा, which one is कौन सा था? Incinerator S. कौन सा color था? It is now green. पहले कुछ और color था, you remember? अभी ये green है. Keep that in mind. पहले green domestic waste था, आपको ज्यादा याद है. तो चलो, ये हो गई कहानी. टेक केयर, बी सेफ. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर रिगार्डिंग पॉल्यूशन. पॉल्यूशन के बारे में सोचोगे तो आप नेक्स्ट जनरेशन को सेफ रख सकते हो. इट इज एवरीबॉडीज ड्यूटी टू कीप द एनवायरमेंट सेफ, सो दैट वी कैन हैंड ओवर द प्लैनेट अर्थ टू आवर चिल्ड्रेन, टू आवर नेक्स्ट जनरेशन इन अ करेक्ट फैशन. अदरवाइज चारों तरफ धुआं धुआं ही दिखेगा. तो वी विल फिनिश इट अप विद अ पोस्ट कोर्स टेस्ट. पोस्ट कोर्स टेस्ट कैसे करना है? तो पोस्ट कोर्स टेस्ट करने के लिए लेट मी स्टार्ट द पोस्ट कोर्स टेस्ट फर्स्ट. वील डू इट ऑन गूगल. गूगल पे करेंगे, सोक्रेटिस पे जाके. वील डू द पोस्ट कोर्स टेस्ट ऑन गूगल. यू कैन यूज मोबाइल.
मार्पोल अवेयरनेस पोस्ट कोर्स 50% से ज्यादा मार्क्स आना चाहिए, अदरवाइज वी हैव टू रिपीट द कोर्स. तो क्या करना है, प्रोसीजर क्या है? सो व्हाट इज द प्रोसीजर टू डू द पोस्ट कोर्स टेस्ट? एवरीबॉडी हैज टू डू द पोस्ट कोर्स टेस्ट बाय दिस प्रोसीजर. तो ऑल ऑफ यू एक काम सबसे पहले करो, टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दी स्क्रीन, स्क्रीन का फोटोग्राफ ले लो. दादा स्क्रीन का फोटोग्राफ ले लीजिए. स्क्रीन का फोटोग्राफ लेने के बाद यू हैव टू गो इनटू socrative.com. एवरीबडी लिसन केयरफुली, socrative.com पे जाना है. socrative.com के बाद क्लिक ऑन द लॉगिन बटन ऑन राइट हैंड साइड टॉप. ऑन द राइट हैंड टॉप लॉगिन बटन यू विल गेट स्टूडेंट लॉगिन. In the student login, you have to type room name. Room name should be AEMPC 8, Anglo Eastern Maritime Training Center 8. ये है room number. Room number डालने के बाद you have to put your name and rank. After your name and rank, you have to put your answers to the 10 questions. So there are 10 questions with 4 answers each. सबके 4 answer हैं. Select the correct answer and then you have to finish the quiz. ठीक है दादा, समझ में आ गया? जिसको समझ में नहीं आया लेट मी नो. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन. एवरीबॉडी हैज टू गेट मोर देन 50%. इफ यू आर नॉट गेटिंग मोर देन 50%, यू विल हैव टू रिपीट द कोर्स. वो कोर्स दोबारा करना पड़ेगा. मेरा जुद्दीन समझ में आता है? या नहीं आ रहा? क्रोम पे कर सकते, क्रोम या गूगल पे करना है जी. मोबाइल पे कर सकते हैं. तो मैं सिर्फ नाम डाला चलेगा? चलेगा. ओके ओके सर, उसके क्रोम पे करते हैं. हाँ क्रोम पे ही करना है, क्रोम पे ही करना है. तो आई कैन सी क्रोम पे. हाँ हाँ क्रोम पे. यस यस मेराजुद्दीन क्रोम पे. ओके आई कैन सी. हाँ मोबाइल पे कर लो, मोबाइल पे नेटवर्क अच्छा है. तो 10 पीपल हैव स्टार्टेड, वेरी गुड. एवरीबॉडी हैज टू गेट मोर देन 50%. इसको समझ में नहीं आ रहा है पूछ लो. ओके ओके सर. दोज हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड लेट मी नो. चीफ कुक समझ में आ गया? यस सर. आ गया. ओके. हाँ जी आ गए. पीटर भाई का 100% आना चाहिए. किधर है? हाँ सर मैं इधर ही. आपका 100% आना चाहिए, आपको तो अलग से पढ़ाया है. हाँ सर ठीक है. हाँ जिसका 50 से कम आएगा उसको दोबारा करना है. सब लोग कर रहे हैं? पवन कुमार अंडरस्टूड? सुनील यस सर. गोइंग अहेड, कुछ समझ कुछ दिक्कत? टेल मी. एवरीबॉडी हैज टू डू द पोस्ट कोर्स टेस्ट, और पोस्ट कोर्स टेस्ट के बाद यू विल डू द फीडबैक. उसके बाद फीडबैक कर लेना. फीडबैक इज सौरभ कपूर का ईमेल होगा, उससे फीडबैक कर लेना, वो बाद में. पहले पोस्ट कोर्स टेस्ट कर लो. सर आप एक बार पत्र सर बोल. हाँ तो क्या करना है, एग्जाम में क्या करना है कि गूगल पे जाना है आपको. ठीक है, कौन पूछ रहा था? Go into Google and then type socrative.com. Google or Chrome. And then go into student login. Student login यहाँ पे होगा, right hand side top में, दाहिने तरफ.
हाँ वेबसाइट खोलो। हाँ और किसी का बाकी है तो लेट मी नो, किसी का बाकी है तो बता दो। एवरीबॉडी हैज टू डू द प्री कोस्ट टेस्ट, पोस्ट कोस्ट टेस्ट सॉरी। सब कैपिटल में है, कैपिटल ए एम टी सी एट अभी आप फिनिश कर दो, देन यू डू दी फीडबैक मलिक। ओके सर। इन कार्गो रेसिड्यू टैंकर शो बहुत बढ़िया विश्वजीत मलिक, 100% वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, थैंक यू सर, गुड जॉब, गुड जॉब। फीडबैक कर लीजिए। फिनिश करके लॉग आउट करना है। हाँ क्विज फिनिश करके के देन यू डू दी फीडबैक, फीडबैक के लिए अलग से मेल होगा। तस्लीम भाई सौरभ कपूर का मेल आया होगा ना, फिर फीडबैक का होगा वो कर लीजिए। थैंक यू बाय बाय। फीडबैक के लिए आपको ये वाला मेल पे जाना है, एक मेल होगा एक मिनट। स्टैंडिंग कंप्लीट हो गए, थैंक यू टू सर। ये पीस फिनिश करके और ये फीडबैक देके हम लोग मीटिंग यस आफ्टर द फीडबैक यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ ऑन शिप। ओके थैंक यू सर। फीडबैक के लिए यू हैव टू गो इनटू दिस मेल, ये मेल होगा, यू माइट हैव गॉट दिस मेल फ्रॉम मिस्टर सौरभ कपूर। सर मेरा एक बार देखिए सर। या ओके ओके वाह सब लोग 100% लाए नाइस। कैसे बंद कर सकते हैं सर? एक बार कर रहा है ओनली वन। हाँ बोलो। हो गया हो गया अरे पब्लिक को आंसर पता चल गया क्या? एयर पोषण अरे कैसे जा रहा है यार, पब्लिक ध्यान से सुन रही थी। हाँ गुड सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। मोहम्मद हसन क्यों कितना हंस रहा है? आप ऐसा ट्रेनिंग किया है कैसे नहीं हुआ है सर? मेरे को डाउट है। चलो फीडबैक कर लो और फीडबैक में थोड़ा बाकी लोगों को हेल्प कर दो। हाउ टू डू द फीडबैक? फीडबैक कैसे करेंगे? फीडबैक के लिए अभी तो बता रहा था फीडबैक में यू हैव टू डिस्कस अमंग योरसेल्फ, आपस में बात करो, ये वाला मेल पे करना है। एवरीथिंग इज रिटन इन द ईमेल। डू द फीडबैक बाय दिस प्रोसेस। लो तो मैं टाइप कर देता हूं। यस सर आई गेट माय गेस्ट सर। थैंक यू वेरी मच। हम लोग जो तो फॉर्म फिलअप किया ना तो उसी में साइड में करेक्ट 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 कंप्लीट कर लिया थे। थैंक यू वेरी मच, बी सेफ, बाय बाय। हेलो कंप्लीट द फीडबैक एंड यू कैन लीव द क्लास। फीडबैक कंप्लीट करने के बाद कौन होगा? आफ्टर फीडबैक यू कैन लीव। थैंक यू वेरी मच।
बाय बाय। हेलो सर, फीडबैक कैसे देना है? फीडबैक जैसे कोर्स एंट्री फॉर्म भरा था वैसे ही फीडबैक करना है। सौरभ कपूर का ईमेल एम्स प्लेटफॉर्म पर। और सर ये जो क्वेश्चन आंसर का शो का कैसे करेंगे? हो गया। सर हेलो बोलो सर, अभी टू स्पीच कर दो। हां फीडबैक नहीं बताया। सर क्वेश्चन हो गया, अभी फिनिश स्पीच करूं सर? यस। फीडबैक के लिए इसमें जाना है, ये वाला मेल पे लिखा हुआ है, देखो देखो aims.com पे जाना, ये ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी, इट इज सेम एज ये टाइप करो कमरान सर, सेक्रेटरी.com टाइप करो सर। फीडबैक किस पे देना है सर? फीडबैक एम्स पे देना है। पासवर्ड तो मुझे पता नहीं है, पासवर्ड मैं कैसे बताऊं? क्या अभिजीत पासवर्ड कैसे बताएं? थोड़ा हेल्प कर दो, ये लोग को हेल्प कर दो सर। फीडबैक किस पे सर? फीडबैक अभिजीत बताएगा, अभिजीत बताओ मैं कितना बोलेगा। आपस में हेल्प करो, हाँ कैसे फीडबैक करना है? हाँ सर मेरा टेस्ट अभी तक नहीं हुआ सर, थोड़ा पता था सर वो टेस्ट जरूरी है, टेस्ट किसने नहीं किया? उसके बाद रूम नंबर डालो। स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट सर ये कोर्स फीडबैक वाले बेनिफिट में क्या लिखना है? फीडबैक में फीडबैक डालना है। सर राघवेंद्र कुमार का हो गया सर एग्जाम, फीडबैक के लिए प्लेटफॉर्म एम्स वेबसाइट इन योर ईमेल। सर यहाँ से लॉग आउट हो जाना है सर। हेलो सर, बोलो सर यहाँ से लॉग आउट हो जाना है सर। तो हो गया, अभी क्या करना है सर? उसके बाद फीडबैक कंप्लीट कर लो। फीडबैक के लिए थैंक यू सर। फीडबैक के लिए थैंक यू, यू हैव टू गो इनटू ईमेल। अभी ये स्क्रीन बंद कर सकते हैं सर? यस एवरीथिंग यू कैन क्लोज। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। सौरभ कपूर का फीडबैक अपने मन से डालो भाई, बहुत बुरी बताएंगे। 90 90 90 70 फेल कौन हुआ है?
एनीबॉडी हैज फेल्ड अभी तो 198 ईयर पर चला है सर कैसे पॉसिबल 29 अभी दो तीन लोगों ने नहीं किया किसने नहीं किया है किसका टेस्ट टेस्ट बाकी है कमरान क्या नाम था कमरान हाँ सर सर मैं ये अपना रूम ना रूम नेम है ना सर वहाँ पे अपना चक्कर ये डालो रूम नेम कैपिटल में एएमपीसी सर एएमपीसी एट कैपिटल ये लिखा है रूम नंबर हेलो हाँ हेलो सर ये डालो स्क्रीन पे सब प्रोसीजर लिखा हुआ है फॉलो करो केवल तुम्हारा बाकी है कमरान सर रूम नंबर रूम नेम पे ए ई एम टी सी बी डालना है बी कहाँ से आ गया एट एट ए एम टी सी एट सर यहाँ पे फीडबैक का ऑप्शन कहाँ आएगा सर हेलो सर इसमें फीडबैक का ऑप्शन कहाँ से आएगा बोलो मैं असलम कर रहा हूँ कर लिया ना एग्जाम हाँ थैंक यू हाँ हाँ ठीक है सर इसने कर लिया है तो प्रॉब्लम ठीक है क्या वो बोलो कंप्लीट हो गया फीडबैक करना है फीडबैक बाद में कर लेना वो ईमेल में है सर मैं चौहान बोलता हूँ जी चौहान जी नमस्कार अलविदा फिर मिलेंगे चलिए फीडबैक कर लीजिए फीडबैक गेम्स पे करना है हाँ सर भाई लॉगआउट करूँ मैं कोर्स का भी हाँ लॉगआउट कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच किससे करना है सर एम पे ईमेल में होगा मेल में उठेंगे कमरान का नहीं हुआ है कमरान क्या हुआ आपका आपका एग्जाम से लॉगआउट कर सकते हैं कमरान का क्या हुआ सर सर कमरान अगानी यस सर तुम्हारा स्टार्ट नहीं भाई आपका अभी सर खत्म हो गया अच्छा है क्या नहीं सर सर मैं तो टेस्ट हो गया सर थैंक यू नवेश थैंक यू कंप्लीट द फीडबैक कमरान अगानी सर एक बार बताइए फीडबैक किसके करना है
फीडबैक करना है एम्स पे, aemtcaims.com। चलो फाइनली शमराज भी कर रहा है, ओके आगे लोग ने कर लिया, वेरी गुड। बात करो सर, हाँ कितने दे दिया है? हाँ सर, थैंक यू सर, बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू, हैव अ हैप्पी सेलिंग, सेफ सेलिंग। और बोलो, बात करें, टाइम अप, आज एक मीटिंग में जाना है, इंट में कर लो सब लोग। Validation, bilge time, serum target, shoot, collection, time off, serum target. Certificate mail में आ जाएगा। Certificate office में पूछ लीजिए यार। Well, I will need bilge time, shoot, collection time, serum target. सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, बाय, सेफ सेलिंग, थैंक यू सर, हो गया सर फीडबैक, थैंक यू, होप यू कैन लीव, फीडबैक हो गया, थैंक यू सर। ईमेल किसका डालने का, अपना ही डालने का ईमेल आईडी? ईमेल पे, ईमेल पे सौरभ कपूर का ईमेल आया होगा, सौरभ कपूर सुबह डाला था ना, कोर्स एंट्री फॉर्म भरा था सुबह, सर सौरभ कपूर के ईमेल आईडी पे डाल देते हैं। ईमेल आईडी पे प्रोसीजर लिखा हुआ है, हाउ टू डू द फीडबैक, तो लॉगिन एग्री करना पड़ेगा आपको। ओके सर, एम्स प्लेटफॉर्म पे जाके स्टेप्स फॉलो करके लॉगिन आईडी में जाके यू हैव टू पुट द फीडबैक एंड देन यू कैन कंप्लीट इट। आई थिंक एवरीबॉडी इज डन, सो वी लीव, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, बाय बाय, आई वाज सेफ सेलिंग, आई एम क्लोजिंग द मीटिंग। Bye bye sir. Thank you.